बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा आर्टिकल देख लेंगे जिस पर हम क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हालांकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है तो आर्टिकल देख लेते हैं। एंगल बिटवीन ए स्ट्रेट लाइन एंड ए प्लेन, एक प्लेन और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है एक क्वेश्चन में। तो उससे पहले हम इस आर्टिकल को देख लेते हैं, तो कभी भी इस फार्मूले को आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर एक प्लेन है ये, और इस प्लेन को एक लाइन कट करती है। तो इस प्लेन और इस लाइन, ये लाइन यहाँ पर है, इस लाइन के बीच का एंगल हमको फाइंड करना है। माना वो एंगल थीटा है, तो थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। जबकि जो हमें इक्वेशन दिया जाएगा, जैसे प्लेन का इक्वेशन हमको दिया जाएगा, तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजिकल टू ज़ीरो, जहाँ पर एक्स वाई और जेड का जो कोफिशेंट होते हैं ए बी सी, वो इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है यानी नॉर्मल होती है, उस नॉर्मल के डी आर एस होते हैं, यानी डायरेक्शन कोस रेशियो, डी आर एस यानी डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो ए बी सी यहाँ पर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। और साथ में जो हमें चूँकि निकालना है एक स्ट्रेट लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, तो दोनों के इक्वेशन हमको दे दिए जाएगा। एक हमको प्लेन का इक्वेशन दे दिया जाएगा जो हमने इक्वेशन नंबर वन से डिनोट किया है, दूसरे इस लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा। और इस लाइन का इक्वेशन इस तरीके से होगा, एक्स माइनस एक्स वन अपान एल इजिकल टू वाई माइनस वाई वन अपान एम इजिकल टू जेड माइनस जेड वन अपान एन, इस फार्म में होगा इस लाइन का इक्वेशन। इसे इक्वेशन नंबर टू डाला है। तो इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा फाइंड करने के लिए, थीटा फाइंड करना तो मुश्किल है, लेकिन हमें मालूम है कि जिस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके डी आर एस हमें ए बी सी यहाँ पर पता है, और इस लाइन के भी डी आर एस मालूम हो गए कि वो लाइन का इक्वेशन अगर इस फार में है, तो अगर एक्स वाई जेड को कोफिशिएंट प्लस का वन है जी चेक कर लेंगे, उसके बाद जो है अपान में जो भी लिखा होगा एल एम एन, वो इस लाइन के डी आर एस होंगे। तो इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज़ एल एम एन पता चल गए। अब इन दो लाइन्स के डी आर एस पता है, तो इनके बीच का एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो लाइन हमको अगर मालूम हो और इन दोनों लाइन के डी आर एस सॉरी मालूम हो, तो उन लाइंस के बीच का एंगल हम फाइंड कर सकते हैं एक फार्मूले से। माना कि इस सेकंड वाली लाइन के डी आर एस ए टू बी टू और सी टू है, तो इनके बीच का फार्मूला कॉस की फार्म में दिया जाता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू इनके करस्पॉन्डिंग जो डी आर एस हैं ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपान में फर्स्ट वाली लाइन के जो डी आर एस है उनके स्क्वायर का सम ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, फिर उसके बाद इसी तरीके से इन टू में सेकेंड वाली लाइन के जो डी आर एस हैं उनका स्क्वायर का सम ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस का सी टू स्क्वायर। तो फार्मूला तो हमें यही लगाना है, लेकिन यहाँ पर लाइन्स जो हैं एक और दो बन गई हैं, ये यानी नॉर्मल और इस लाइन के बीच का एंगल, क्योंकि हमने इसका एंगल निकाल दिया तो ये एंगल भी फाइंड कर देंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लेन पर परपेंडिकुलर होती है ये नॉर्मल, यानी हर एक तरफ से 90 डिग्री बनता है, तो ये एंगल जो होगा टोटल वो भी 90 डिग्री ही है। तो 90 में से ये 30 थीटा निकल जाएगा, तो बाकी जो बचेगा यहाँ पर वो 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर हम इस एंगल को निकाल देते हैं, फाइंड कर लेते हैं, तो ये एंगल भी फाइंड हो जाएगा। तो इन दोनों लाइन्स के जब डी आर एस मालूम है, तो इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए हम इसका कॉस निकाल सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा ये इन दोनों के बीच का एंगल है 90 माइनस थीटा, जबकि हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करना है जो प्लेन, इस प्लेन और लाइन के बीच का एंगल है। तो इसमें इसी फार्मूले का जब यूज़ करेंगे, तो इन दोनों लाइनों के की जो डी आर एस है उनका प्रोडक्ट कर देंगे। तो इनके डी आर एस हमने लिख रखे हैं ए बी सी, इनके एल एम एन, तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट में इंटू हो जाएगा, सेकंड वाले का सेकंड में, और थर्ड वाले सी का एन में इंटू हो जाएगा। अपान में फर्स्ट वाली जो है उस डी आर एस ए बी सी उनके स्क्वायर का सम, यानी इस नॉर्मल के और फिर लाइन की एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ध्यान रहे कि एल एम एन लिखे हैं वो यूजली यूज्ड होते हैं डी सी एस के डायरेक्शन कोसाइन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो के लिए यूज़ किया है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं ये वैल्यू वन के इक्वल हो, कुछ भी हो सकती है। अब हम लोग कहते हैं साइन 90 माइनस थीटा जो कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम अगर इस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, तो इन दो
यानी प्लेन और लाइन के बीच का एंगल हम थीटा की वैल्यू को इस फार्मूले का यूज़ करते हुए निकाल लेंगे। ये फार्मूला कहाँ से आया ये पता चल चुका है, तो हम थीटा इस फार्मूले का यूज़ करते हुए फिर थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन इस आर्टिकल के यूज़ से एक छोटा सा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, वो हम क्वेश्चन यहाँ पर पहले लिख देते हैं और इसको फिर सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए। फाइंड, ये सिर्फ फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 8 एंड द लाइन, लाइन है x माइनस 1 अपान 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपान 5 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपान 4। तो देख रहे हैं यहाँ पर x y z को कोएफिशिएंट 1 1 है, इसलिए ये जो है लाइन की DRS होंगी, डायरेक्शन रेशियो होगा। और फिर हम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए साइन थीटा बराबर लगा सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल के DRS 2 माइनस 3 और 6 हैं, मीन्स ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू माइनस 3 और सी की वैल्यू 6 है, जबकि एल एम एन एन की वैल्यू 2, 5 और 4 है। अब इस फार्मूले, ये हमारा क्वेश्चन था यहाँ तक, अब यहाँ से सॉल्यूशन इसका शुरू हो चुका है। तो सॉल्यूशन में हम फार्मूला डायरेक्ट अब ये यूज़ करेंगे, अगर इनके बीच का चाहे एक लाइन लिख दें, लेट द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन बी थीटा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू वी नो दैट ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ पर सभी वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू माइनस 3 और एम की वैल्यू 5, सी की वैल्यू सी की जगह पर 6 है, इंटू एन है एन की वैल्यू 4 है, होल अपान में ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। फिर ये वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, एल की वैल्यू यानी 2 स्क्वायर प्लस एम की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस एन की वैल्यू 4 स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन करके हम साइन थीटा अल्टीमेटली थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगले पेज पर हम इसको देख रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो गया और प्लस माइनस के इंटू माइनस का हो जाएगा 5 इंटू 3 15 प्लस का 24 अपान 2 का स्क्वायर 4 हुआ प्लस 3 का 9 और 6 का 36। दूसरे वाले स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25 और 4 का 16 हो गया। अब इनको ऐड करके हम लोग वैल्यू फाइंड करके देखेंगे कितना आ रही है। तो ये दोनों ऐड हो के तो आ जाएंगे 28 हो जाएंगे प्लस के और माइनस के 15, होल अपान में इनको ऐड करेंगे तो ये 49 हो रहा है पहले वाले में, और दूसरे वाले ब्रैकेट में ये ब्रैकेट को स्क्वायर रूट को यहाँ तक रखें और फिर इन दूसरे वाले में इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 45 हो जाएगा। अब इनमें से माइनस करेंगे यानी 8 में से 5 तो 3 आएगा, 2 में से 1 तो 1 आएगा, 13 आ गया और ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा 49 7 की फार्म में। और इसको हम 49 को लिख सकते हैं 9 इंटू 5 और 9 3 की फार्म में बाहर आ जाएगा 13 अपान 7 इंटू 3, रूट में सिर्फ 5 बचेगा और इसलिए इनका आपस में इंटू कर लें, ऊपर कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो 21 स्क्वायर रूट 5। ये वैल्यू जो आई है हमारी साइन थीटा की वैल्यू आई है 13 अपान 21 स्क्वायर रूट 5। अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इनवर्स पे कन्वर्ट हो जाता है 13 अपान 21 स्क्वायर रूट 5। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाकर दावाना अलहमदुल्लाहि रब्बिल आलमीन।